अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज के इस वेबिनार पे मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। जान से प्रशीद लॉग इन कर रहा हूँ भावलपुर से। अगर आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है तो काइंडली मैसेज में मुझे बता दें ताकि आज के इस वेबिनार को स्टार्ट किया जाए। ओके, थैंक यू। आज के इस वेबिनार पे स्पेसिफिकली ट्रेनिंग डिजाइन की गई है ब्लॉकचेन के ऊपर और डीएमएस से रिलेटेड, के जैसे किस तरह आप अपने डीएमएस अकाउंट जो है, जो नए लोग हमारे साथ डीएमएस के साथ अटैच होने वाले हैं और जो ऑलरेडी लोग अक्टूबर से लेकर अब तक के डीएमएस के प्रोडक्ट के साथ अटैच हुए हैं, चाहे उन्होंने बीटीसी या चाहे उन्होंने इथेरियम की एक अपग्रेड की है एंड फर्दर ऑन डीएमएस सर्विसेज के बारे में फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो उनको जो रिवॉर्ड्स आने हैं वो किस तरह से उसको क्लेम कर सकते हैं, किस तरह उसमें अपना वॉलेट आईडी अटैच करना है, किस तरह अपने ब्लॉकचेन पे जाना है, इथेरियम का किस तरह एड्रेस सेटअप करना है एंड फर्दर ऑन कुछ कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स हैं जो कि आज के इस वेबिनार पर गो थ्रू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। जिस तरह आप सब जानते हैं, आप अपना अकाउंट जब लॉगिन करते हैं तो आपको अकाउंट लॉगिन करते ही सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर में नजर आ रहा होता है डिजिटल मार्केट सर्विस अकाउंट। ये डिजिटल मार्केट सर्विस अकाउंट है, सिंपली आप कंपनी ने एक अलग से पैनल बना दिया है कि जो भी लोग डीएमएस इंस्टॉल करना चाहते हैं या डीएमएस बाय करते हैं वो यहीं से जाकर डीएमएस को बाय भी करते हैं और फ्यूचर में उसको मॉनिटर भी यहाँ पे जाके कर सकते हैं। आपका डीएमएस अकाउंट जो है, इसके अंदर आपको इथेरियम की अगर आपने रिग ली हुई है उसकी डिटेल आ रही होती है और अगर आपने बिटकॉइन की रिग ली हुई है तो उसकी डिटेल आ रही होती है। प्लस हर चीज की कंपनी ईमेल तो आपको साथ साथ करती ही है, लेकिन आपके बैक ऑफिस के अंदर बकायदा इसकी टोटल वैल्यूएशन मौजूद है। अब जब अगर हम डीएमएस पे ऊपर क्लिक करते हैं इस रेड एरिया के ऊपर, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का एरिया आता है जो हमें दिखाता है डिटेल के हमने कौन कौन सी रिग्स ऐसी हैं जो बाय की हुई हैं, ठीक है, उनकी परचेज डेट क्या थी और स्टार्ट डेट क्या है और उनका कॉन्ट्रैक्ट की एंड डेट क्या है, और अगर आपने उसमें रिवॉर्ड टाइप इथेरियम सेलेक्ट किया था बाय करने के टाइम तो उसमें इथेरियम आ जाएगा, अगर आपने उसमें रिवॉर्ड टाइम बिटकॉइन सेलेक्ट किया था तो उसमें बिटकॉइन आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये दो रिग्स हैं, साहब ने बाय की हुई है, इसके अंदर ये शो हो रहा है कि एक इन्होंने बिटकॉइन की रिग बाय की थी, ठीक है, 20 अक्टूबर को, जिसका एस्टिमेट स्टार्ट डेट था 1 फरवरी, और एक इन्होंने इथेरियम की रिग बाय की थी 20 अक्टूबर को ही, जिसके एस्टिमेट स्टार्ट डेट था 1 फरवरी ही। तो सेम डे पे इन्होंने दो रिग्स बाय की है और उसका कंपनी ने इनको यहाँ पे एस्टिमेट स्टार्ट डेट दे दी। अब क्योंकि फरवरी में एक मंथ में आपको पता है सब लोगों को पहला रिवॉर्ड आया, तो पहला रिवॉर्ड इनको आया है 0.0472 BTC, जो कि ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 350 पाउंड के करीब करीब बना। फर्स्ट रिवॉर्ड इनको BTC का आया, प्लस इनको फर्स्ट रिवॉर्ड इथेरियम का जो आया वो आया 0.4294, यानी जो उस रेट उस दिन जिस दिन कंपनी ने ये लेजर में कैलकुलेट करके अपडेट किया है उस दिन जो रेट था उस हिसाब से कंपनी ने जो दिया हमें 352 पाउंड के राउंड अबाउट, ये हमें यहाँ पे हमारी वैल्यूएशन शो हो गई कि हमारा इस महीने का रिवॉर्ड बिटकॉइन का ये बना है और इथेरियम का ये बना है। अब जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 18 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर के दरमियान रिक्स बाय की थी, चाहे BTC की चाहे इथेरियम की, उन तमाम लोगों के अकाउंटों में कंपनी ने ये लेजर शो करा दिया। अब इसको आपने कंपनी से जब ये आपने विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करने का एक सिंपल सा मेथड है कि आपको ये अपना कोई ना कोई कंपनी को वॉलेट आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो किस तरह आप अटैच कर सकते हैं, जब आपने साइन अप किया है, साइन अप के बाद पहली कंडीशन है उसका KYC करना। KYC सिंपली आप ऐसे अप्रूव करवा लेंगे तो उसके बाद आपको यहीं पर सिस्टम है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैनेज वॉलेट एड्रेस। अब मैनेज वॉलेट एड्रेस जो है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है कि आप इस पर जाके सिंपली क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप अपने वॉलेट आईडी इसमें अटैच कर सकते हैं और वहां पे आप चाहें तो एवरी मंथ उसको चेंज भी कर सकते हैं, और अगर चेंज नहीं करते तो आप चाहे उसमें अपना वॉलेट आईडी अटैच कर लें और अटैच करने के बाद आपका जो भी एवरी मंथ रिवॉर्ड बनेगा कंपनी आपको वॉलेट आईडी में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगी। अच्छा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे मैनेज वॉलेट आईडी के ऊपर तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा कि अगर आपने बिटकॉइन बाय की हुई है एक तो बिटकॉइन का एड्रेस अटैच कर लें, और अगर आपने इथेरियम बाय किया हुआ है तो इथेरियम का एड्रेस अटैच कर लें। जब आप बिटकॉइन सेलेक्ट करेंगे सिंपली वहाँ पे अपना वॉलेट आईडी लिखें और समय से अपना वेरिफिकेशन कोड जो आपके ईमेल और सेलफोन पे आएगा वो एंटर करके आप सबमिट कर दें। सबमिट होते ही अगर आपका जेन्युइन वॉलेट आईडी होगा जो बिटकॉइन के नेटवर्क के अंदर आता होता है तो उसी टाइम अप्रूव हो जाएगा। और इसी तरह सेम केस है इथेरियम का, अगर आपने इथेरियम की रिग ली हुई है और इथेरियम का पे आउट चाहिए तो आप इथेरियम के अंदर जाएं और उसमें जाने के बाद आप अपना वॉलेट आईडी अटैच करें, अटैच करने के बाद वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे एंटर करें, सबमिट करें, और आपको वहां पे कंपनी की तरफ से जैसे ही वो एड्रेस अप्रूव होगा कंपनी की तरफ से ईमेल भी आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली अपना वॉलेट एड्रेस अटैच कर लिया है डीएमएस अकाउंट में। जो लोग ऑनलाइन अकाउंट से जाके अप्रूव करवाते हैं कमीशन पे आउट के लिए वो अलग वॉलेट आईडी है जिसके ऊपर आप अपने पाउंड्स वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं, आप लियो कॉइंस बाय सेल करके विड्रॉ कर सकते हैं वो पाउंड्स, या आपको जो कमीशन की सूरत में पाउंड्स आते हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं।
लेकिन जो इसमें आते हैं डीएमएस अकाउंट, इसके लिए आपको एड्रेस अलग से एड्रेस अप्रूव करवाना होता है। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि आप एक ही एड्रेस मतलब वहां पे यूज कर रहे हैं और यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। आप सेम एड्रेस जो आपका पीटीसी का है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपके अकाउंट में अगर एक से ज्यादा रिक्स भी हैं तो आपका तमाम पेआउट उसी एड्रेस के ऊपर आ जाएगा। अगर इथेरियम की एक से ज्यादा है तो इथेरियम का भी पेआउट उसी तरह से आपको उसमें अकाउंट में आ जाएगा। प्लस सेम आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो 1 से 19 तारीख के दरमियान अपने अकाउंट में अगर एड्रेस चेंज करना चाहें तो आप एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो पिछला एड्रेस एज इट इज आपका डिफॉल्ट एड्रेस सेम रहेगा। अच्छा, अब वॉलेट बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में इस टाइम जो बहुत अरसे से काम कर रही हैं, और उसमें वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं ब्लॉकचेन आती है। ब्लॉकचेन एक कंपनी है जो कि 2011 2012 से ऑपरेट कर रही है, और राइट नाउ पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख इनका यूजर है अभी तक, और काफी तेजी से लोग इसको यूज कर रहे हैं, काफी तेजी से इनका नेटवर्क भी बढ़ रहा है, और ये आपको वेब वॉलेट प्रोवाइड करता है। वेब वॉलेट वो वॉलेट होता है जो इंटरनेट के ऊपर चल रहा है। दो किस्म के वॉलेट्स होते हैं सिस्टम में ये जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है इसके अंदर। एक वो वॉलेट होता है जो आप डेस्कटॉप वर्जन होता है, डेस्कटॉप पे आप डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में, चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हैं या मैक यूज कर रहे हैं एप्पल का। डाउनलोड करने के बाद आप उसको नेट्स कनेक्टिविटी रखते हैं और वो सारे ब्लॉक्स के साथ सिंक्रोनाइज रहता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ब्लॉकचेन मौजूद है, ठीक है, ब्लॉकचेन में आप जाएं सिंपली और यहाँ पे आप साइन अप कर लें। साइन अप का सिंपल सा प्रोसीजर है, इस पे जाके अगर आप साइन अप करते हैं तो ये राइट नाउ आपको भी इथेरियम और बिटकॉइन दोनों की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और पिछले 1.5 2 साल से इसको मैं भी यूज कर रहा हूँ और काफी पाकिस्तान में सीनियर लीडर्स हैं वो भी इसको यूज कर रहे हैं, और ये काफी कन्वीनियंट है। प्लस इसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है, आप अपने वॉलेट को एप्लीकेशन में भी रिट्रीव कर सकते हैं और जस्ट लाइक आप उसको अपने सेलफोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब वॉलेट पे आप सिंपली आप blockchain.com की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, या blockchain.info पे चले जाएं, और वहां पे जाके आपको यहाँ टॉप पे नजर आ रहा है वॉलेट। जैसे ही आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा चाहे आप साइन अप कर लें या लॉग इन कर लें। अब जैसे ही हमने साइन अप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो हमें सिंपल एक साइन अप पेज पे ले जाएगा जिसपे सिर्फ आपकी 3 डिटेल्स चाहिए। आपका ईमेल आईडी जिससे आपका ये वॉलेट ट्रिक लिंक हो जाएगा, और जब भी आप लॉग इन करेंगे सेम इंटरनेट पे तब भी तो ये आपको लॉग इन करवा देगा। अगर किसी और इंटरनेट पे लॉग इन करेंगे या कोई आपका हैक हो जाता है तो वो ऑथराइज ईमेल एड्रेस का आपसे ऑप्शन मांगेगा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है जो ये अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कर रहा है। प्लस इसके अंदर 2FA एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई है। आप सिंपली अपना ईमेल आईडी एंटर करें, नया पासवर्ड एंटर करें, कंफर्म करें पासवर्ड को, एग्री टर्म एंड कंडीशन, और आप कंटिन्यू करके यहाँ पे अपना वॉलेट बना लेंगे। जैसे ही आपका वॉलेट सेटअप हो जाएगा आपको ईमेल आएगी, ईमेल से जाके आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के बाद आप वॉलेट इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं। यानी सिंपली मैक्सिमम 30 सेकंड्स का प्रोसीजर है और आप यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर अपना वॉलेट बना लेंगे। वॉलेट बनाने के बाद आपके उसके अंदर बहुत सारे एड्रेसेस मौजूद हैं जो पूरे नेटवर्क में आपके अलावा किसी को भी असाइन नहीं होंगे, यूनिक आईडी होंगी आपकी, और वो आईडीज को आप यूज कर सकते हैं सेंड और रिसीव करने के लिए, चाहे बिटकॉइन सेंड रिसीव करना है आपने, चाहे इथेरियम सेंड या रिसीव करना है, और इस तरह फर्दर ऑन आप इसमें ट्रांजेक्शन को ट्रेस भी कर सकते हैं इसके पब्लिक एक्सप्लोरर पे। अब जिस तरह हम साइन अप करते हैं, साइन अप के बाद हमें एक वॉलेट आईडी हमें ईमेल पे आता है। अब ये जो वॉलेट आईडी हमें ईमेल के ऊपर आता है ये हमारा बिटकॉइन का रिसीविंग आईडी नहीं है, ये हमारा वो वॉलेट आईडी है जिसको यूज करते हुए हम लॉग इन करेंगे। इसको सिंपली आप सादा लफ्जों में कह सकते हैं आपका ब्लॉकचेन का यूजर नेम। ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है, और उसके अंदर आपको ये डैश नजर आ रहे होंगे थोड़े से डिजिट्स, और अल्फा के बाद आपको इसमें डैश मिलते हैं, तो ये आप सिंपली यूज कर सकते हैं लॉग इन करने के लिए। जब आप इसको यूज करते हुए लॉग इन करते हैं, लॉग इन पे आप सेम इंटरनेट पर लॉग इन हो रहे हैं, सिंपली ये डायरेक्टली लॉग इन कर देगा। अगर किसी और इंटरनेट पे हो रहे हैं तो आपको ये लॉग इन करते ही आपको एक ईमेल सेंड करेगा कि ऑथोराइज कर दें डिवाइस को। जैसे ही आप ऑथोराइज करेंगे तो उसके बाद आप सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप लॉग इन कर जाएंगे, और लॉग इन होने के बाद आप इसके सर्विसेज यूज कर पाएंगे। जैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर हम लॉग इन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है वो हमारे सामने आ जाता है। अब ये वो डैशबोर्ड है जो आपको लॉग इन करते ही आपको दिखाता है। यहाँ पे आपको प्राइस चार्ट आ रहा है, ठीक है, जिस एक्सचेंज से ये ब्लॉकचेन लिंक है वहां से ये प्राइस को अपडेट कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये प्रेजेंटेशन जब बनाई गई तब इसका टाइम उस टाइम पे BTC का रेट था 8,563, ठीक है, एंड इथेरियम का था ऑलमोस्ट 842। तो इसी तरह इथेरियम और BTC का रेट भी अब जैसे जैसे मार्केट में अप डाउन हो रहा है यहाँ पे अपडेट हो रहा है, और आप इसके ऊपर अगर आप फ्यूचर में BTC रिसीव करना चाहते हैं या इथेरियम रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल से एक मेथड्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर रहे हैं। अब जैसे ही आप लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद आपके डैशबोर्ड पे टॉप लेफ्ट पे आ रहा है आपको बी योर ओन बैंक के नीचे के रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट का ऊपर आप जब भी क्लिक करेंगे तो आप अपना वॉलेट आईडी देख पाएंगे जिसके ऊपर आप बिटकॉइंस रिसीव कर सकते हैं। यही वॉलेट आईडी आपने अपने अकाउंट में जाकर DMS वाले अकाउंट में डाल देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका
अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूव होने के बाद आपको एवरी मंथ का जो आपका रिवॉर्ड है वो आपको इसके ऊपर आ सकते हैं। प्लस हर वो नया बंदा जो आपके साथ ज्वाइन हो रहा है खासतौर पर डीएमएस के थ्रू, या उसने कमीशन को विदड्रॉ करना है बीटीसी में, या उसने फ्यूचर में किसी और को ज्वाइन करवाना है और डीएमएस में इन्वॉल्व करना है, तो उसको आप गाइड कर सकते हैं इसके हवाले से कि वो ब्लॉकचेन पे साइन अप करते ही, लियो के अंदर साइन अप करते ही प्लस एक ब्लॉकचेन के ऊपर भी अकाउंट बना लें। ये वन ऑफ द कंपनीज हैं जो आपको वॉलेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लियो का इससे कोई लिंक नहीं है, ये थर्ड पार्टी कंपनी है, लेकिन ये है कि वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक कंपनी है, यूएसए से बिलोंग करती है और काफी अच्छे से ये मार्केट में ऑथेंटिसिटी से काम कर रही है। तो आप इसको इसके ऊपर उनको साइन अप करवा देंगे तो उनके लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी कि पहले ही दिन से लोग इसके अंदर जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फ्यूचर में ये है कि ब्लॉकचेन के हवाले से उनको फ्यूचर में बीटीसी या इथेरियम रिसीव करने में आसानी होगी। आप जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपने रिक्वेस्ट पे जाना है, रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आपको सिंपली आपका वॉलेट आईडी दिखा देगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। जैसे अब ये इस वॉलेट आईडी दिखा रहा है वो इस अकाउंट की दिखा रहा है जिसको साइन अप किया गया, इस तरह आपका यूनिक वॉलेट आईडी होगा। ये आप चाहे एक जगह पे डालें, चाहे आप 50 जगह पे डालें, इस पे आप जितनी मर्जी जगह से बिटकॉइन ट्रांजेक्शन करवाना चाहें मंगवा सकते हैं। जो भी लोग इसके ऊपर आपके इस वॉलेट आईडी के ऊपर बिटकॉइन सेंड करेंगे आपको इंस्टेंटली रिसीव हो जाएंगे। आपने सिंपली क्या करना है, जब आप रिक्वेस्ट पे जाएंगे इस एड्रेस को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद वहीं जहाँ डीएमएस आपने इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ डीएमएस पे जाएं, डीएमएस पे मैनेज वॉलेट एड्रेस पे जाके वहां जाके आप इसको एंटर करके सेव कर दें। जब ये सेव हो जाएगा तो ये आपका ये वाला ब्लॉकचेन अकाउंट के अंदर एवरी मंथ जब कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड आएगा तो आपको उसका एक ईमेल भी आ जाएगा। आप एसएमएस सर्विस ऑन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, उसका एसएमएस भी आ जाएगा। प्लस आपको इस वॉलेट आईडी के ऊपर इजीली ट्रेसेबल भी होगा कि आपके इस वॉलेट आईडी के अंदर आपको एवरी मंथ रिवॉर्ड आ रहा है। फिर इस ब्लॉकचेन के अंदर एक हाई लेवल सिक्योरिटी ये है कि जब भी आपके ब्लॉकचेन एड्रेस पे कोई भी ट्रांजेक्शन रिसीव होती है तो ये पुराना एड्रेस भी परमानेंट रहता है लाइफ टाइम, प्लस एक नया एड्रेस भी इशू कर देता है। और आप चाहें तो उस डिफरेंट मल्टीपल एड्रेसेस सिंपली सेटिंग्स में जाके मल्टीपल एड्रेसेस भी जनरेट कर सकते हैं ताकि आप हर ट्रांजेक्शन को या हर ट्रांजेक्शन जो डिफरेंट जगहों से मंगवाने उसको आप ट्रेस कर सकते हैं इसी तरह। देन यही वो आपको मैंने बताया जिस तरह वॉलेट हमें इथेरियम की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इथेरियम में क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको करेंसी का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके इसमें इथेरियम सेलेक्ट करें और इथेरियम सेलेक्ट करने के बाद आपको वो इथेरियम का रिसीविंग एड्रेस दिखा देगा। इथेरियम का एड्रेस सिंपली इस तरह से होता है, 0x से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अब ये जो इथेरियम एड्रेस है, इस इथेरियम एड्रेस को, ये इस अकाउंट का इथेरियम एड्रेस है, इसको कॉपी करके किसी को भी मैं सेंड करता हूँ तो वो इस पे जब भी इथेरियम सेंड करेंगे तो मेरे पास ऑटोमेटिक अपने ब्लॉकचेन के इथेरियम के डैशबोर्ड के अंदर इथेरियम रिसीव हो जाएगा। इसी तरह आप बिटकॉइन भी रिसीव कर सकते हैं, इथेरियम भी रिसीव कर सकते हैं, प्लस आप चाहें तो इसके मल्टीपल एड्रेसेस भी जनरेट कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग्स पर जाएं, एड्रेसेस में जाके आप इसके डिफरेंट एड्रेसेस अटैच करके उसमें आप लेबल भी डाल सकते हैं और एक ही एड्रेस मल्टीपल जगहों से भी ट्रांजेक्शन मंगवाने के लिए यूज हो सकता है। आपके परमानेंट एड्रेसेस होते हैं और पब्लिक एक्सप्लोरर पे आप जाके इसको चेक भी कर सकते हैं जो इसका ऑनलाइन लेजर बन रहा है। चाहे आप डिफरेंट एक्सप्लोरर्स हैं उस पर आप जाकर ट्रेस कर सकते हैं कितनी ट्रांजेक्शन इन हुई है, किस डेट को हुई है एंड ऑल दैट, सारी ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल है। देन फर्दर जिस तरह आप सब जानते हैं डीएमएस के हवाले से कंपनी ने एक रिसेंट अपडेट दी है कि जितने भी लोग 1st of Feb से लेकर 28th of Feb के दरमियान डीएमएस का कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे यानी डीएमएस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, इनकी सर्विस 1st मई से स्टार्ट हो जाएगी और 31st मई को इनको पहला रिवॉर्ड आ जाएगा। अब क्योंकि डीएमएस वन ऑफ द मैसिव सेल्स कंपनी का ये प्रोडक्ट है और बहुत तेजी से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत तेजी से लोग इसके अंदर से बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो कंपनी को इसका फिजिकली हार्डवेयर मंगवाना पड़ता है। अब जो इसका हार्डवेयर कंपनी फिजिकली मंगवाती है उसका एक डिलीवरी टाइम है 45 दिन से लेकर 60 से 70-80 दिन उसमें डिलीवरी में लगते हैं। एंड देन जिस तरह तेजी से इसके अंदर लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसकी डिमांड हाई है, तो इसकी जो हार्डवेयर प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, 2-3 महीने बाद तो वो डिलीवरी दे रही है सिंपल हार्डवेयर की। तो अभी जो इस दफा का भी वेबिनार हुआ है ग्लोबल एसोसिएट वेबिनार, उसके ऊपर भी जो हमारे ग्लोबल डायरेक्टर है वो बता रहे थे कि जिस तरह से तेजी से लोग इसके अंदर डीएमएस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमारे पास डिमांड बहुत हाई है, तो हमें उसी तरह से बैकएंड से डिमांड भी बहुत तेजी से हमें बढ़ानी पड़ रही है। तो क्योंकि उधर सप्लाई उनकी तरफ से लिमिटेड है विद द पैसेज ऑफ टाइम, हार्डवेयर के अंदर बहुत सारी दुनिया से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और वक्त के साथ साथ इसके अंदर जैसे जैसे ग्रोथ आती जा रही है तो कंपनी कोशिश कर रही है जितनी जल्दी हो सके हार्डवेयर कंपनी मंगवाए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये है कि इस मंथ के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये मई से स्टार्ट होगी सर्विस। जो लोग 28 फरवरी के बाद आएंगे उनकी एक्सपेक्टेडली जून की डेट आएगी, तो आप कोशिश करें जितने मैक्सिमम लोगों को इस मंथ में इन्वॉल्व करेंगे वो मई से इसका रिवॉर्ड ले पाएंगे और
ये मई 2018 से लेकर मई 2019 तक ये सर्विस चलेगी। तो आपके पास इसमें सिंपली एक ऑप्शन मौजूद है, अगर किसी भी साहब ने आपके साथ लेट्स सपोज इथेरियम की रिग बाय की है या बिटकॉइन की रिग बाय की है, तो आप देख सकते हैं इसके आगे एक छोटा सा बॉक्स और पेंसिल आ रहा है। ये लोगों का मतलब है कि अगर आपने इथेरियम की रिग बाय की है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और इस बटन पे आप क्लिक करने के बाद आप चाहें तो अपना नेक्स्ट मंथ का रिवॉर्ड टाइप इथेरियम से चेंज करके आप बिटकॉइन कर सकते हैं। यानी लेट्स सपोज फर्स्ट मंथ में एक साहब ने इथेरियम ले लिया, उनके पास 0.4294 आ गया, वो जो फर्स्ट मंथ में माइनिंग हुई, माइनिंग के बाद जो भी रिवॉर्ड आना था उनके पास आ गया। अब नेक्स्ट मंथ में वो चाहते हैं कि मैं इथेरियम की बजाय बिटकॉइन लूँ, सिंपली इसमें इथेरियम वाले पोर्शन में आप जाएं, आप इसको चेंज करके इसमें बिटकॉइन सेव कर दें। जैसे बिटकॉइन सेव करेंगे तो नेक्स्ट मंथ का आपका जो रिवॉर्ड आएगा वो आपको इथेरियम की बजाय बिटकॉइन में आ जाएगा। तो इस तरह कंपनी ने मल्टीपल ऑप्शन दिया होगा, चाहे आपने इथेरियम की रिग बाय किया चाहे बिटकॉइन की रिग बाय किया, आप कोई एक्शन नहीं लेते, जो आपने रिवॉर्ड टाइप सेलेक्ट किया वो आपका आता रहेगा। चेंज करना चाहें तो आप चाहें बिटकॉइन के रिग के अंदर आप इथेरियम ले सकते हैं, इथेरियम के रिग के अंदर आप बिटकॉइन ले सकते हैं। तो अगर किसी साहब ने इथेरियम में शिफ्ट करना है तो आप सिंपली ये बिटकॉइन के आगे इस बटन पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर दें एज इथेरियम, आपके पास इथेरियम का रिवॉर्ड आता रहेगा। अगर आपने बिटकॉइन में इथेरियम की रिग ली हुई है और आप उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको बिटकॉइन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन फर्दर ऑन जिस तरह डीएमएस के हवाले से मैंने आपको बताया, आप सब जानते हैं कंपनी के अंदर एक आइडियल रैंक है, वो रैंक है डायरेक्टर का। डायरेक्टर का जो रैंक है वो हिट करने पे कंपनी की तरफ से आपको 20,000 pounds बीओए मिलता है। अगर आपने अपने ज्वाइनिंग के 90 डेज के अंदर प्लेटिनम किया है और बीओए सेव किया है तो डायरेक्टर बनने पे एक तो पहली चीज आपको कंपनी की तरफ से बिजनेस ओनरशिप अवार्ड मिलेगा 20,000 pounds का, प्लस 5,000 pounds कंपनी की तरफ से आपको ऑफिस अवार्ड मिलता है जो कि रैंक अवार्ड है। और उसके अलावा कंपनी ने डायरेक्टर प्रोग्राम में जो अभी अपडेट की है, रिसेंट कंपनी ने जो इसमें अपडेट की है, जितने भी लोग डायरेक्टर बनेंगे, डायरेक्टर बनने के बाद उनको कंपनी एक मिनिमम एक लेवल बनाती है। अगर वो एवरी मंथ 4,000 pounds नेटवर्क बोनस बनाते हैं तो 2,000 pounds उनको एवरी मंथ एक एक्स्ट्रा बोनस आएगा कंपनी की तरफ से, जो कि एक मंथली रिवॉर्ड है कंपनी की तरफ से डायरेक्टर बनने। अब जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी डायरेक्टर्स हैं, उसके अंदर काम कर रहे हैं और वो एवरी मंथ 4,000 pounds नेटवर्क बोनस बना रहे हैं, उनको तो कंपनी एवरी मंथ 2,000 दे रही थी। और कंपनी ने अभी इसमें स्पेशल चीज जो अटैच की है, वो कंपनी ने ये अटैच की है कि जो लोग चाहे नए डायरेक्टर बने हैं जनवरी से अब तक, या जो लोग ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करते हैं, वो जैसे ही डायरेक्टर बनेंगे, डायरेक्टर बनने के बाद अगर एवरी मंथ 2,000 pounds नेटवर्क बोनस बनाते हैं तो उनको कंपनी एज एन एक्स्ट्रा बोनस कंपनी 500 pounds एक किस्म का उनको एवरी मंथ देगी, अगर वो मिनिमम 2,000 pounds का नेटवर्क बोनस हिट करते हैं। अगर वो 3,000 pounds का नेटवर्क बोनस हिट करते हैं तो कंपनी उनको उसी डायरेक्टर साहब को कंपनी 1,000 pounds का एक्स्ट्रा बोनस देगी, और अगर वो 4,000 pounds पे जाते हैं तो 2,000 pounds का तो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से इंसेंटिव चल रहा है। अब जब कोई भी साहब इसको डायरेक्टर को हिट करेंगे तो फर्स्ट 6 months तक कंपनी इसको मॉनिटर करेगी। अगर कोई साहब फर्स्ट 6 months के अंदर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते तो वो मे बी कंपनी उनको फ्यूचर में कंपनी इसको इस प्रोग्राम से बाहर निकाल दे। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते रहेंगे उनको कंपनी ये बेनिफिट देती रहेगी। और डेफिनेटली जो लोग एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स एंड अबव, उनके लिए कंपनी ने 6 months शुरू के जो हैं वो भी कंपनी ने उनके लिए वो लगा दिए हैं एज अ चेक। और उसके बाद यह है कि कंपनी इसको चेक एंड बैलेंस रखती रहेगी, और जैसे जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते रहेंगे वो डायरेक्टर के अलावा नेटवर्क बोनस के अलावा इसमें एक्स्ट्रा बोनसेस अर्न कर सकते हैं, जो कि एक यूनिक प्लान है, सिर्फ लियो के पास मौजूद है। और लियो ने डायरेक्टर्स को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देने के लिए कंपनी ने ये बेनिफिट दिया है, ताकि वो लोग जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स हैं वो इंटरनेशनल नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, तो उनको उसके हवाले से फ्यूचर में एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो सके और वहां पे वो इसमें बेनिफिट्स ले सके। सो नेक्स्ट थिंग कंपनी के हवाले से एक अपडेट है, वो ये है कि मोमेंटम टूर कंपनी ने एक नया सेट ऑफ टूर्स कंपनी ने डिजाइन किया, जिसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो कि हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट एंड सीईओ डेनिसन, इसमें मिहिर मगोड़िया जो ग्लोबल डायरेक्टर एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, और मिस्टर एंडी जो कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल्स डेवलपमेंट कंसल्टेंट है। कंपनी ने एक मोमेंटम टूर डिजाइन किया है जो कंपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया के डिफरेंट रीजन में जाके ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इसमें मोमेंटम टूर परफॉर्म करेंगे, और उस मोमेंटम टूर के अंदर कंपनी के हवाले से अपडेट्स देंगे और कुछ रिसेंट अपडेट्स देंगे जिसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट टूर हमारा कंपनी की तरफ से जो मोमेंटम टूर है ये यूरोप में होने जा रहा है, तुर्की के अंदर। इसको कंपनी ने नाम दिया मोमेंटम टूर का यूरोप रीजन के लिए। ये यूरोप रीजन के लिए जो मोमेंटम टूर हो रहा है ये ऑलमोस्ट कंपनी ने ये फाइनल किया है 7 अप्रैल को, और इसके अंदर पूरी दुनिया से कोई भी बंदा जाना चाहे तो इसमें जा सकता है, जिसमें कंपनी के हवाले से कुछ अपडेट्स देंगे।
जिसमें इनका जो बेसिक अपडेट्स के हवाले से जो इनका बेसिक फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि एक तो पहली चीज ये शेयर करेंगे ह्यूज सक्सेस ऑफ लियो डीएमएस जो कि डिजिटल मार्केट सर्विस है जिसके अंदर बीटीसी और इथेरियम की सर्विस आ रही है, प्लस लेटेस्ट प्लान्स लियो के लिए जो कंपनी ने डिजाइन किए हैं 2018 में और 2019 में। देन इसके अलावा एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक देंगे ये फ्यूचर प्लान्स जो कंपनी ने डिजाइन किए हैं लियो कॉइंस के हवाले से, जो लियो कॉइन फाउंडेशन जिसके ऊपर काम भी कर रही है, प्रेस एंड मीडिया के अंदर भी काफी चीजें रिलीज हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम और फ्यूचर में जो चीजें इसमें इन्होंने अटैच करनी है। तो ये वो अपडेट्स हैं जो ये रीजन वाइज अभी टूर कंपनी ने जो डिजाइन किया है, पहला ये करना जा रहे हैं अप्रैल में यूरोप के अंदर और वो तुर्की के अंदर ये करने जा रहे हैं और तुर्की के अंदर इस रीजन में तुर्की रीजन में ये पूरी दुनिया से इन्होंने ओपन इनविटेशन है, अगर कोई भी बंदा जाना चाहे या किसी भी बंदे का प्रोस्पेक्ट है तो £20 का ये टिकट है इसका इस इवेंट का, तो सिंपली £20 के अंदर आप जाके इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपके कोई साहब है वहाँ पे जानने वाले जिनको आप भेजना चाहते हैं फ्यूचर में ज्वाइन करवाना चाहते हैं या ऑलरेडी ज्वाइन है वहाँ पे आप चाहते हैं कि वो तुर्की में इवेंट अटेंड करें तो वो तुर्की में जाकर इवेंट अटेंड कर सकते हैं और उनको मौका मिल सकता है कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से मिलने का, उनसे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेने का और फर्दर ऑन बिजनेस को आगे ग्रो करने का। तो आपके पास भी एक ओपन इन्विटेशन है, हम कोई भी बंदा जाना चाहे वहाँ पे तुर्की में तो उस इवेंट में जा सकता है। मोमेंटम टूर कंपनी के हवाले से डायरेक्ट अपडेट्स मिलेंगी एंड फर्दर ऑन फ्यूचर के हवाले से कंपनी ने कुछ जो प्लान्स बनाए हैं वो भी कंपनी शेयर करेगी तुर्की इवेंट में। देन वेबसाइट इंप्रूवमेंट के हवाले से एक अपडेट आई थी कंपनी की, कंपनी अपडेट कर रही है वेबसाइट्स को जो कि संडे के दिन कंपनी करेगी और 18 फरवरी को कंपनी ने ये वेबसाइट अपडेट करनी है जिसके अंदर ये सिक्योरिटी इंक्रीज कर रहे हैं, स्केलेबिलिटी और वेबसाइट परफॉर्मेंस। तो जितनी भी लियो की वेबसाइट्स हैं वो कम सारी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी को कंपनी अपडेट कर रही है। तो इस दौरान ये जो आपके सामने टाइम आ रहा है 6 से लेकर 14 UAT इस टाइम के दरमियान कंपनी की वेबसाइट्स अपडेट होनी है। तो उस दौरान सर्वर में भी आपको एक्सेसिबल ना हो या एक्सेसिबल भी होगा तो आपको फ्रंट एंड एक्सेसिबल हो सकता है। तो कंपनी ये तमाम लियो की साइट्स जो हैं उनको अपडेट करने जा रही है और उनको अपडेट करने के बाद यह है कि नया बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी में इंडल्ज करने जा रही है। जैसे ही नई बैटरी टेक्नोलॉजी में इंडल्ज हो जाएगी तो उसके बाद वेबसाइट दोबारा लाइव हो जाएंगी और लाइव होने के बाद आप कंपनी के तमाम जितने भी सर्विसेज हैं वेबसाइट्स हैं उनको फर्दर ऑन यूज कर पाएंगे। डेटा कंपनी के पास सारा सेव है, उसके फर्दर बैकअप्स भी कंपनी के पास सेव है, इसको आप कंपनी एक नए मीडियम पे अपडेट करने जा रही है। सो आज के वेबिनार पे यही कुछ चीजें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, एक ब्रीफ वेबिनार था और इसके अंदर बेसिक पर्पज यही था कि तमाम दोस्तों के साथ वो चीजें शेयर की जाए जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और हमें बिजनेस के हवाले से इजीली गाइड मिल सके कि किस तरह हम फर्दर ऑन डीएमएस में जिन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं उनका वॉलेट सेटअप कर सकते हैं, वॉलेट सेटअप करने के साथ साथ उसके अंदर किस तरह हम उनको इथेरियम या बिटकॉइन या उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं एंड फर्दर ऑन फ्यूचर में कैसे इसमें ग्रो कर सकते हैं। सो काफी लोगों के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, इनकी तरफ चलते हैं। लेट मी सी, हमारे साथ काफी दोस्त आज के इस वेबिनार पे ह्यूज क्वांटिटी में लोग बैठे हैं और काफी सीनियर लीडर्स भी बैठे हैं, तो मैं कुछ दोस्तों को शेयरिंग को लेता हूं ताकि वो भी डीएमएस के हवाले से जो उनका विजन है वो आपके साथ शेयर कर सके। मुझे सबसे पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूं अंजुम भाई को जो कि इस टाइम डायरेक्टर के रैंक पे और बहुत जल्द मार्केटिंग डायरेक्टर होने वाले हैं। अंजुम भाई मैंने आपको अनम्यूट किया, आई थिंक आपकी साइड से म्यूट हुए हैं आप। अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जाजेब भाई, थैंक यू सो मच, आज आपने बड़े अच्छे तरीके से डीएमएस की अपडेट्स लोगों तक जो है वो पहुंचाई और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा जो है वो बिजनेस ऑलरेडी हो रहा है और मैं आपका भी और लियाकत भाई का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने खसूसी तौर पे इसके ऊपर आज जो है वो आपने मेहनत की और डिजाइन किया ये वेबिनार। और यकीनन बहुत सारे लोगों ने आज जो है वो ये इसके मुतालिक जो चीजें वो सीखना चाह रहे थे, आपने बड़े अच्छे अंदाज से डिटेल से इनको डिस्कस किया। बीच में एक दो दफा मेरे साथ इशू ये हुआ कि शायद नेट का कोई प्रॉब्लम था या क्या, तो आपकी साउंड भी नहीं आ रही थी, लेकिन ये जो चीजें मैंने सुनी है और समझी है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से आपने, बड़े सिंपल और सादा तरीके से आपने सारा जो है वो आज हमें गाइड किया। और इसके ऊपर बिजनेस तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन हो रहा है और असल चीज यही है जो हमें मजीद बार बार जो जिन जिन दोस्तों ने जो लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं मेरी उनसे गुजारिश यही होगी कि अगर आपकी टीमों में कोई दोस्त आज वेबिनार पे नहीं था तो अब हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी टीमों को इसके बारे में जो है वो आगाह करें, क्योंकि इसमें सबसे अहम चीज वो यही है कि अगर किसी ऐसे दोस्त को जिसको जिसने डीएमएस बाय किया हुआ है और उसको इसके मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको नहीं पता कि वॉलेट कैसे बनाना है या वॉलेट को अटैच कैसे करना है और मेरा
जब इसके ऊपर रिवार्ड आएगा तो वो कहाँ आएगा, कैसे आएगा, तो वो शायद फिर कल जो है आप लोगों के लिए मसला बने, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जाए। तो दुनिया के कामयाब सेल्स पर्सन जो हैं उनसे जब भी कोई चीज पूछी जाती है कि आप दुनिया के टॉप के सेल्स पर्सन कैसे बने हो, तो उनमें से सबका जो जवाब होता है और जो अक्सरियत का जवाब होता है वो ये होता है कि हम आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो लोगों को, अपने लोगों को देते हैं, और यही वो चीज है जो हमारे यहाँ जो है वो जिस चीज की शदीद जरूरत है हमें। तो सेल कर लेना कमाल नहीं है, उस सेल को संभालना जो है वो असल जो कामयाबी की का जरिया आपका बनता है, और यही हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच जहांजैब भाई, और सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और लियाकत भाई का शुक्रिया कि आज खसूसी तौर पे ये जो चीज आज हमने डिस्कस की ये बहुत ज्यादा जरूरी थी और बहुत अहम थी। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अर्जुन भाई। डेफिनेटली सर, एजुकेशन है और ये ज़रूरी है। जो लोग भी हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, जिस तरह जो मैंने कहा, इसी हमारे साथ कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं। आतिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अगर वो ऑनलाइन है तो मैं लिखने से उनका स्टेटस मेरे पास शो हो रहा है। आई थिंक उनके पास कोई टेक्निकल इशू है, मेरे पास ऑनलाइन इशू है। ओके लेट मी सी, अगर कोई हमारे साथ सीनियर दोस्त मौजूद है, नहीं तो आपके क्वेश्चंस की तरफ मौजूद है, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि लगता है ये आज बिजी थे तो वो मैं आज के इस वेबिनार पे ज्वाइन नहीं कर पाए। खालिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लेट मी मी और खालिद भाई जो कि डायरेक्टर के रैंक पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम सलाम जी जानसिब, कैसे हो आप? ठीक हो, खैरियत से हो? ठीक ठाक, आप सुना कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र है मेरे मालिक का। और सुनाए। ठीक ठाक साल भाई, आपकी शेयरिंग है डीएमएस के हवाले से, आप अपना जरा विजन शेयर करें तमाम दोस्तों के साथ। जी मैं ये समझता हूँ जानसिब भाई के डीएमएस जो है ना, बहुत ही जबरदस्त कंपनी ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया और राइट चीज की तरफ लोगों को मूव किया। अगर हम सारे लोग इसकी अफादियत को समझ जाएं और इसको देखें, एक पूरा यानी एक फिजिकल सेटअप है। आप जो पेमेंट करते हो उसके इसमें एक फिजिकल मशीन इंस्टॉल होती है, जो कि मार्केट से फिजिकल आपका जो है ना क्या कहते हैं डिजिटल करेंसी, मुख्तलिफ किस्म की करेंसियां कंपनी जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी उनको माइन करती है। माइन करके आपको जो है ना उसका रिवॉर्ड जो कंपनी ने आपको शेयर किया वो आपको देती है। आई थिंक सो कि अगर लोग इसकी सही तरह इसको समझ जाएं, इसकी मैकेनिज्म को समझ जाएं, तो ये इतनी इतनी जबरदस्त चीज है कि लोगों के जो है ना माली हालात उनके बिल्कुल आई थिंक सो तो बहुत जबरदस्त किस्म की उनकी चेंज उसमें चेंज आ सकती है। तो फिर मैं यही सजेस्ट करूंगा नए दोस्त सुनने वाले जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो इस चीज को समझने की कोशिश करें, मैकेनिज्म को समझें। अगर मैकेनिज्म को समझ जाएंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू खालिद भाई। सो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। अगर लेखक भाई हमें वेबिनार के दौरान ज्वाइन करते हैं तो मैं चाहूंगा कि लेखक भाई भी आज के बारे में कुछ चीजें आपसे शेयर करें। सो आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, एंड काफी दोस्तों के कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं मिस सी सगीर हुसैन साहब कराची टीम के साथ बैठे हैं, वेलकम। मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहम्मद यूसुफ शायद अटक से, वेलकम। बशीर अहमद कराची से विद हिज टीम एंड लीडर्स। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाहिद विद हाजरू टीम। ओके सलाम सर। ओके तैयब फ्रॉम शिंक्याती। ओके सलाम वालेकुम सलाम। कैसर इकबाल वाकेंट से, राशिद महमूद, फैजान मोहम्मद, इकराम साहब, सरवर साहब, और उमर फारूक, वकास अहमद अटक से। जिशान साहब कह रहे हैं कि सर लियाकत साहब वेबिनार पर सबको स्कैम के हवाले से बताएं। जी 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 डेफिनेटली सर, कई दफ़ा लियाकत भाई ट्रेनिंग कर चुके हैं इसके हवाले से, कई दफ़ा लियाकत भाई इसके हवाले से ट्रेनिंग कर चुके हैं। और फर्दर ऑन यह है कि स्कैम कंपनीज या तमाम चीज़ों के हवाले से फ्यूचर में इंशाल्लाह लियाकत भाई इसके हवाले से सेशन करेंगे और इसके हवाले से आपको भी गाइड कर देंगे। लेट मी सी ओके। उजैर मजीद साहब हैं 10 मेंबर्स के साथ। आमिर जिया साहब कह रहे हैं रैंक अवार्ड पर डीएमएस ले सकते हैं। जी ले सकते हैं आप, रैंक अवार्ड जो आपके पास आता है ना, आप उससे पहले लियो कॉइन्स लें, उसके बाद लियो कॉइन्स को सेल करें, सेल करने के बाद उनसे आप बिटकॉइन लें, और बिटकॉइन से फिर आप लियो डीएमएस सर्विस बाय कर लें।
इस तरह आप करें तो कोड कन्वर्ट हो जाएगा डीएमएस में, डायरेक्टली कंपनी नहीं देगी आपको, डायरेक्टली जो कंपनी का प्लान है वो कंपनी चेंज नहीं कर सकती। हाँ इस तरीके से आप ले सकते हैं। ओके एहतशाम खानजादा अहमदाबाद से, ओके इब्ने अली क्या कह रहे हैं हर मंथ चेंज होता है सर, हर मंथ क्या चेंज होता है तो डिपेंड करता है माइनिंग पे, अगर माइनिंग हर मंथ चेंज आप इथेरियम से बिटकॉइन की सर्विस भी कर सकते हैं, प्लस आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि हर मंथ रिवॉर्ड जो चेंज होता है, ये रिवॉर्ड फिक्स नहीं है, वो माइनिंग के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, जितनी माइनिंग होगी उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड आता रहेगा। ओके हसनात इस्लाम कह रहे हैं कि एक बैक ऑफिस के अंदर अगर दो या तीन डीएमएस हो जाएं आपके सब्जेक्टेड अकाउंट में है और एक वक्त में दो ब्लॉकचेन अकाउंट का एड्रेस कैसे सेव हो, आप सेम अकाउंट एड्रेस भी डाल सकते हैं उसके अंदर, उसमें इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई, आप मौजूद हैं ना सर? जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 लियाकत भाई, तमाम दोस्त आपको सुन रहे हैं आज के हवाले से, वो टेक्निकल सारी चीजें शेयर हो चुकी हैं, अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ थे। जी थैंक यू वेरी मच जानसेब, आपने माशाल्लाह आज बहुत ही जबरदस्त तरीके का वेबिनार किया। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं रास्ते में डॉक्टर को चेक कराने भी जा रहा था और आपका वेबिनार भी साथ साथ सुन रहा था लॉगिन करके मोबाइल से, और अभी भी मैं गाड़ी में बैठ के आके आपका वेबिनार का जो ये उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, मैं यहाँ पर दोस्तों को दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले जिन दोस्तों को आपने ज्वाइन करवाया है डीएमएस के ऊपर, फौरी तौर पर उनके केवाईसी कंप्लीट करवाएं। केवाईसी कंप्लीट करवाने के बाद उनको वॉलेट एड्रेस, जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर कैसे वॉलेट एड्रेस बनता है वो जानजे भाई ने बड़ी डिटेल से आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप अपना वॉलेट एड्रेस बना सकते हैं और उसको किस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो फौरी तौर पर वो अपना वॉलेट एड्रेस बनवाएं, उनका वो जो एड्रेस है वो अटैच करवाएं, चाहे वो रिवार्ड 2 महीने बाद आना है या 1.5 महीने बाद आना है या 3 महीने बाद आना है, ये अलग बात है, लेकिन आप अपना काम कंप्लीट करें, उनको अवेयरनेस दें, उनको प्रॉपर नॉलेज दें, उनको सिखाएं। इसीलिए हमने आज का ये वेबिनार किया है ताकि आप दोस्तों को अंदाजा हो, और अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरह से अपनी टीम को प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर समझाते हैं, ताकि कल को उनकी क्यूरी ना हो, पता चले उनके डीएमएस में लिए 6 महीने गुजर गए और उनको अभी तक पता ही नहीं है कि उन्हें रिवार्ड कैसे लेना है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, सम टाइम हम जब सेल्स हो रही होती है, सेल्स कर जाते हैं और वो जो नया बंदा जो आया होता है उसको अंदाजा भी नहीं होता, उसको भी सम टाइम इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे दोस्तों का लॉस हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने फौरी तौर पर वो तमाम दोस्त जिन्होंने डीएमएस लिया है, उन तमाम लोगों को जो ये सर्विस लिया उन इसके हवाले सेल्स आफ्टर सर्विस जैसे जानदेव भाई ने कहा उसको इम्प्रूव करें, ताकि उनको प्रॉपर तरीके से वो रिवार्ड यहाँ से मिल सके। और अगर किसी चीज की फिर भी समझ नहीं आती तो आपकी अपलाइन में कोई ना कोई लीडर मौजूद होगा, उसके साथ बैठ के समझे। आज हमने जनरल वेबिनार किया ताकि आप सब लोगों के लिए ओपन इन्फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन आपके जो लीडर्स हैं उनको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको समझ नहीं आया तो उनके साथ मिलिए, उनके साथ बैठिए, उस इन्फॉर्मेशन को समझिए। नई सेल लाने से पहले वो जो दोस्त ऑलरेडी आपके साथ आ चुके हैं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करवाएं सिस्टम, उनको प्रॉपरली लॉग इन करवाएं, उनके केवाईसी कंप्लीट करवाएं, उनके वॉलेट एड्रेस उसके साथ अटैच करवाएं, क्योंकि होता ही है कि आखिरी दिन जाके आप उसका वॉलेट, जिस दिन उसका रिवार्ड मिल रहा होता है उसे एक दिन पहले आप कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद मेरे पास बहुत सारी कंप्लेन आ रही होती है, सर वो मेरा रिवार्ड ही नहीं आया। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेन है कि सर रिवार्ड नहीं आया, पता चला केवाईसी कंप्लीट नहीं था, वॉलेट ही अटैच नहीं था, अब कंपनी को कोई ख्वाब नहीं आया इन साहब को मैं किस पते पे, जब तक कोई चिट्ठी का वो कहते हैं ना चिट्ठी भी बंदा उस पते पे लिखता है जहाँ जिसका पता हो, तो आपको रिवार्ड भी किसी पते पे मिलेगा, किसी एड्रेस पे मिलेगा, और वो एड्रेस जब तक आप बना के प्रॉपर अपलोड नहीं करेंगे, प्रॉपर उसको मैनेज नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक आपके पास वो रिवार्ड नहीं आ सकेगा। मंथली आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको इस हम महीने इथेरियम का रिवार्ड चाहिए तो आप इथेरियम ले सकते हैं, आप अगले महीने बीटीसी का रिवार्ड चाहिए तो आप बीटीसी का रिवार्ड ले सकते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी ऑलरेडी कंपनी ने आपको ऑप्शन दी हुई है, 2 ऑप्शन से कि आप बीटीसी में रिवार्ड ले सकते हैं या इथेरियम में रिवार्ड ले सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर मैं पॉइंट बताता चलूँ कि हम कोई माइनिंग, हम बीटीसी की माइनिंग रिगे नहीं बेच रहे या इथेरियम की माइनिंग रिगे नहीं बेच रहे, कंपनी क्या कर रही है, आपको कंपनी ने एक सर्विसेज दे दी है, आपको रिवार्ड जो मिलता है वो इथेरियम और बीटीसी पे मिलता है, जबकि जो माइनिंग है कंपनी बैकएंड पे बहुत सारे डिफरेंट कॉइन को माइन कर रही होती है और वो माइन करके आप लोगों को रिवार्ड दे रही होती है बेसिकली, ताकि वो वाले सारे काम जो आप खुद करते किसी लेवल पे वो सारे के सारे आप कंपनी आपको सर्विसेज दे रही है, उस सर्विसेज के अगेंस्ट में कंपनी आपसे पैसे लेती है
और उस वो जब आप पैसे कंपनी को देते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप एक सर्विस खरीदते हैं, वो सर्विस के अंदर जो रिवार्ड आता है वो आपको दे दिया जाता है। उस रिवार्ड के लिए दो तरीके, दो करेंसीज मुतय्यन कर दी गई, इथेरियम और जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो टॉप दो दो क्रिप्टो करेंसीज है जिसमें एक इथेरियम है और दूसरा BTC है, वो सेलेक्ट करके आप किसी में भी अपना रिवार्ड ले सकते हैं। तो अगेन इस बात को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम कोई माइनिंग रिगे नहीं बेच रहे इसकी इथेरियम की और BTC की। हाँ अलबत्ता हम रिवार्ड आपको BTC और इथेरियम में दे रहे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो सके और आप इसमें मैक्सिमम बेनिफिट भी ले सकते हैं। ये इस बात को अंडरस्टैंड करना बड़ा अच्छा जरूरी है। लेकिन हमारी जो कोर प्रोडक्ट है ऑफकोर्स एजुकेशन ही है, कोई फोर्स नहीं है कि आपने इसको लेना है। अगर आप इसको समझते हैं तो आप इसको प्रॉपर लोगों को अवेयरनेस दें ताकि फ्यूचर में आने वाली ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है इसका लोग बेनिफिट उठा सकें और उसके लिए कंपनी ने आपको एक सर्विसेज मैसर कर दी और सर्विसेज का प्रॉपर तरीके से आप बेनिफिट लेना है। लेकिन इसमें जो असल चीज समझने वाली वो ये है कि आपने इसको समझ के प्रॉपर लोगों को खुद अंडरस्टैंडिंग लेनी है और प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लोगों को अंडरस्टैंडिंग दे के उनको इसके बारे में बताना है ताकि किसी भी लेवल पे कोई मिसकमिटमेंट ना हो, किसी भी लेवल पे कोई गलत बयानी ना हो। क्योंकि याद रखिए स्कैम में और रियल चीजों में फर्क जो होता है, साहब ने यहाँ क्वेश्चन किया था, मैं इंशाल्लाह इसके वेबिनार भी करूंगा नेक्स्ट। स्कैम में और रियल चीजों में फर्क ये होता है कि रियल चीजों में सच बोला जाता है, स्कैम में सच बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं हमेशा आप तमाम दोस्तों को एक बात यहाँ बार बार कराना चाहूंगा कि जब भी आप सच के ऊपर कोई किसी चीज की बिल्डिंग रखते हैं, किसी चीज को बिल्ड करते हैं तो आपको जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होती। लेकिन जब आप झूठ पे, जब आप गलत बयानी करते हैं तो वो स्कैम में चला जाता है, चाहे वो रियल ही क्यों ना हो। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आपके पास लियो एक रियल कंपनी है, एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, इसको जेन्युइन तरीके से ही करें और इसके अंदर जेन्युइन तरीके से ही लोगों को आगे प्रमोट करें। आपके पास बहुत आउटस्टैंडिंग सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, अब इनका बेनिफिट आप लोगों ने उठाना है और प्रॉपर तरीके से इसको प्रमोट करना है, प्रॉपर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होती वो आपके लिए ट्रबल ही क्रिएट करती है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है आज के इस वेबिनार पे जितने भी दोस्त मेहमान बैठे हैं, जहां जहां से भी बैठे हैं, कि अगर आप वाकई इस प्रोडक्ट से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इसका जो रियल मैकेनिज्म है उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझें और उसके बाद उसको प्रमोट करें। कभी भी जिंदगी में आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, आप खुल के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से और शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि आज ही आप करोड़पति बन जाए, तो भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला, फिर आप गलत जगह पे हैं। लियो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और एक जेन्युइन कंपनी है, तो मैं यही आपसे कहूंगा इसमें आप भी जेन्युइन तरीके से सच बोलकर काम करें, किसी तरह के भी गलत बयानी या गलत तरीके से इस बिजनेस को आगे डुप्लीकेट या प्रमोट ना करें। यही मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आज बहुत सारी चीजें झांसे भाई ने आपसे शेयर की, सिखा दी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको किस तरीके से समझ के आगे प्रॉपर तरीके से करते हैं। मेरे लिए इतना ही मेरी तरफ से था। ऑलरेडी जानजे भाई बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह अगले वेबिनार के ऊपर एक नई ट्रेनिंग के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। मेरी तरफ से इतना ही है, हैंड ओवर टू जानजे भाई। थैंक यू लेखक भाई, और लेखक भाई ने काफी चीजें जो आप लोगों से शेयर की हैं उसके अंदर काफी सारे जो मैं क्वेश्चंस देख रहा था उनके आंसर्स मिल चुके हैं। एंड डेफिनेटली काफी लोगों के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो आपके मेन लीडर्स हैं, आप अगर उनसे ये सवाल करें तो आपके वो लीडर बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और काफी सारी चीजें जो लेखक भाई ने आज शेयर की हैं उसके अंदर काफी लोगों ने ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हुए थे, उसके हवाले से लेखक भाई ने आपको एक ब्रीफ इंट्रो उसके हवाले से आपको अपडेट दे दिया लेखक भाई ने। एंड देन फ्यूचर ऑन वक्त के साथ साथ डेफिनेटली जैसे जैसे आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं या कुछ अर्सा वो ज्वाइन हुए, तो आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो आप स्टडी करें, वो इंटरनेट पर स्टडी करें, अपने लीडर से पूछें इसके हवाले से, एंड फर्दर ऑन इसके हवाले से आप अपने साथ नए ज्वाइन होने वाले लोगों को भी गाइड करें। काफी दोस्तों ने ये कुछ दोस्तों के सवाल थे कि क्या BTC का एड्रेस अटैच करने पे कोई डिडक्शन होती है? नहीं, BTC या इथेरियम का एड्रेस अटैच करने पे कोई डिडक्शन नहीं होती, और ऑनलाइन अकाउंट से भी आप जो अटैच करते हैं वो डिडक्शन जो है वो आपको BTC की सूरत में कंपनी की तरफ से सेंड होती है ताकि आपका वो एड्रेस वेरीफाई हो सके। एंड फर्दर ऑन कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे कि DMS अगर एक अकाउंट में इथेरियम है और एक अकाउंट में बिटकॉइन है और एड्रेस कैसे मैनेज होगा? आप सिंपली बिटकॉइन के अंदर जाके बिटकॉइन का एड्रेस अटैच कर देंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया, और इथेरियम को सिलेक्ट करके उसका एड्रेस अटैच करके सबमिट कर देंगे, तो दोनों एड्रेसेज आपके बैकएंड पे सेव हो जाएंगे। हाँ, एक अकाउंट में जब आपने एक एड्रेस अटैच कर दिया बिटकॉइन का, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली वहां से जाकर उसको अंदर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसके अकाउंट के अंदर से आपने अगर इथेरियम का एड्रेस डाला तो कंपनी आपको बिटकॉइन की जगह इथेरियम सेंड कर देगी अगर आपने बिटकॉइन की स्टेक ली है। तो जो आपने बिग बाय किया उसका बकायदा आप
एड्रेस अटैच करें, ब्लॉकचेन पे अकाउंट बना लें, उसके अलावा कॉइनबेस है, उसके अलावा कंपनी की तरफ से रेफर्ड वॉलेट है, एक्सोडस, तो इस तरह डिफरेंट वॉलेट कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं आपको वॉलेट आईडीज, आपको वॉलेट प्रोवाइड कर रही हैं, वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, एंड आप उसके अंदर आप उसमें सर्विसेज ले सकते हैं। एंड देन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आपको इसके हवाले से कंपनी ईमेल के थ्रू भी अपडेट कर रही है, रिवॉर्ड के हवाले से भी, एंड कंपनी वीकली वेबिनार पे काफी सारी चीजें आपसे इसके हवाले से शेयर करती है। आपने एक दफा जब एड्रेस अटैच कर दिया है तो आपको उसका रिवॉर्ड आता रहेगा। साहब पूछ रहे हैं कि वन टाइम हाउ कैन अटैच इथेरियम एंड एट द सेम टाइम, आपको सेम टाइम पे अटैच करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पहले बिटकॉइन का एड्रेस अटैच करेंगे, ठीक है, इस तरह यहाँ से बिटकॉइन सेलेक्ट करें, उसका एड्रेस एंटर करें, सबमिट कर दें, देन आप इसमें इथेरियम सेलेक्ट करें, उसका एड्रेस अटैच करें और सबमिट कर दें। दोनों के लिए अलग अलग स्क्रीन कंपनी ने बनाई हुई है। तो इसके हवाले से फर्दर ऑन आप जाएं, अकाउंट खोलेंगे, आपको अकाउंट में सारी चीजें साथ साथ गाइड भी कर रही है कंपनी। तो आज के वेबिनार पे यही सब चीजें थी जो आपसे शेयर करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लेक्चर भाई आपके साथ एक और ट्रेनिंग के साथ आपको काफी सारी नई चीजें जो हैं आपको गाइड करेंगे। सो फर्दर ऑन जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं आप अपने अपने लीडर से वो क्लियर करें जिन लोगों ने आपको सिस्टम में ज्वाइन करवाया, और ये चीजें अपने साथ नए दोस्तों को भी गाइड करते रहें। सो आज के इस वेबिनार पे यही चीजें थी, थैंक यू, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ एक नई ट्रेनिंग के साथ लेकर भाई आपको कुछ नई चीजें आपको गाइड करेंगे, सिखाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि वो चीजें आप आगे अपनी टीमों को सिखाएं। सो अल्लाह हाफिज़, साइनिंग आउट।